रामपुर में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान कलेक्ट्रेट परिसर रामपुर पहुंचे और सरकार द्वारा सेना में अस्थायी भर्ती अग्निपथ योजना की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित 7 सूत्री ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। जी, आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने एक 7 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट हेम सिंह जी को सौंपा है, जिसमें पूरे देश में जो इस समय सरकार अपनी हठधर्मिता दिखा रही है और अग्निपथ योजना लेकर आई है, जबकि हमारे देश में लगभग 87,000 सेना के पद रिक्त हैं और सरकार जो है अग्निपथ योजना लेकर आई है, जिसमें उनके अनुसार अगर मतलब 10% कोटा उन्होंने दिया है तो 10% कोटे के अनुसार मात्र 46,000 इन 4 सालों में जो भर्ती हो सकते हैं सेना के कमांडर वगैरह। तो क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी जो हैं, राष्ट्रपति होने के साथ साथ सेना के सर्वोच्च कमांडर भी तीनों सेनाओं के हैं वो, तो एक ज्ञापन हमने जो है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा है और साथ साथ उसकी प्रतिलिपि माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और तीनों सेना के जल सेना, वायु सेना और थल सेना के कमांडरों को, सेना अध्यक्षों को मतलब कहते हैं, हमने प्रेषित किए पोस्ट के माध्यम से। तो इस समय हमारी सरकार जो है हर वो काम करने की कोशिश कर रही है जिससे क्या देश का माहौल ख़राब होता चला जाए, क्योंकि हमारे बच्चे जो दिन रात मेहनत करके इस कोशिश में लगे हुए थे कि हम सेना में भर्ती होंगे और सेना में भर्ती होकर हम देश के लिए अपना जो भी बलिदान देना है या जो भी मतलब कर सकते हैं हम, वो पूरा अपना योगदान देश के विकास में करेंगे। लेकिन सेना जो है, वो सरकार जो है, वो तरह तरह की ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है, क्योंकि अभी लगभग 2020 में सरकार लेकर आई थी कृषि अध्यादेश 2020, जिसमें किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा था, उसका विरोध किया गया। और अब सरकार जो है सारी चीज़ों को लगभग निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, लेकिन आपने रेलवे निजी हाथों में सौंपा, हम पूरा देश चुप रहा, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई लाभ हो। आपने बैंकिंग सेक्टर निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की तो देश शांत रहा, लेकिन क्योंकि सेना जो हमारे देश के अखंडता के लिए जवान और किसान दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे हम जब ही सो पाते हैं जब जवान हमारा जागता है, तो उसमें संविदा पर रखा जाएगा और संविदा पर भी रखने के बाद में उसका 4 साल के बाद में उसकी कोई ना तो पेंशन होगी और ना कोई उसके भविष्य की गारंटी होगी। तो इस तरह से जो सेना के साथ में ये देश के युवाओं का के साथ में खिलवाड़ सरकार करने की कोशिश कर रही है, तो भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के साथ साथ जितने भी किसान संगठन हैं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल भी कई किसान संगठनों द्वारा धरने प्रदर्शन किए गए जिला मुख्यालय पर और ज्ञापन सौंपे गए महामहिम राष्ट्रपति जी को के नाम। तो आज भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता ने ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम संबोधित ज्ञापन जो था सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा है और लगातार ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती और सेना में सीधी भर्ती शुरू नहीं करती, क्योंकि हमारे देश में किसान के बेटे ही सिर्फ सेना में जाने की तमन्ना रखते हैं, बाकी जो उद्योगपति हैं, जो अधिकारी हैं, उनके बच्चे हमेशा कोशिश करते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, हम IAS बन जाएं, हम PCS बन जाएं या हम IPS बन जाएं, लेकिन सेना में जाने के लिए जो हिम्मत कहेगा वो सिर्फ किसान का बेटा करेगा। तो ये किसानों के साथ में छल है, युवाओं के साथ में छल है, जिसको भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता बर्दाश्त नहीं करेगी और इस आंदोलन को तब तक जारी रखेगी जब तक कि सरकार इस योजना को वापस नहीं ले लेती। और क्योंकि सरकार के कारिंदे बार बार इस बात का बखान कर रहे हैं और एक तरह से युवाओं का खुला चैलेंज दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम इस योजना को चाहे कुछ भी हो जाए इस योजना को वापस नहीं लेंगे। अब देखिए देश में कितना अराजक माहौल हुआ पड़ा है, मतलब क्योंकि मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा क्योंकि देश की संपत्ति जो है ट्रेनें हैं या जो भी संपत्ति है उसको किसी भी तरह से नुकसान ना पहुँचाएँ और आप अपने भविष्य का स्वयं भी ख्याल करें, कभी भी कोई भी आंदोलन करें आप उग्र आंदोलन में हिस्सा ना लें।
आप शांतिपूर्वक आंदोलन आपका हक है। और इस योजना में एक जो मुख्य बिंदु रखा गया है वो ये रखा गया कि हलफनामा दिया जाएगा कि आप जो हो कोई भी नौकरी पाने के लिए या काय के लिए भी कोई प्रदर्शन वगैरह नहीं करोगे। तो प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन अगर सरकार की कोई योजना है, हर व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है जिसको सरकार समाप्त करना चाहती है। तो भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता हर गलत काम का विरोध करती चली आई है और विरोध करेगी, चाहे वो सरकार हो, शासन प्रशासन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान।